Hello everyone, my name is Ashu Sharma. I welcome you all in series of Tap Parliament. आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पाथ मॉड्यूल्स इन नोड.js. जनरली जब हम किसी फाइल के पाथ को ट्रेस करते हैं, उसके फाइल के एक्सटेंशन को ट्रेस करते हैं, उसके रूट को फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर वी हैव टू वर्क लॉट ऑफ थिंग्स टू जस्ट ओपन दैट फाइल. नोड.js में एक बहुत आसानी सी ये फैसिलिटी रहती है कि आप पर्टिकुलर मॉड्यूल को रिक्वायर करके और इन सारे इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं. तो आज किसी के ऊपर एक एक्सरसाइज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. इसमें सबसे पहले जैसा आप जानते हैं पीछे के जितने भी वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें जो सबसे पहला काम होता है वो एक वेरिएबल लेने का होता है, मॉड्यूल को रिक्वायर करने का होता है. तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, पाथ वन वन से बोल लेते हैं, एक वेरिएबल लिया है रिक्वायर. इसमें हम दो पाथ मॉड्यूल को इस तरीके से हम लोग रिक्वायर कर देंगे. इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट होता है कंसोल का ब्लॉक. कंसोल और यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की मदद से फाइल से रिलेटेड जो भी पाथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसमें पर्टिकुलर फाइल स्टोर है उसको देखेंगे. तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी को ट्रेस करते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा, डी आई में मेन फंक्शन यूज करना होगा, पाथ वन डॉट डी आई मेन. और ये जो फंक्शन है अब इसमें हम लोगों को मैं एक बार जो फाइल जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं पाथ डॉट जे एस इसके जो पाथ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो यहाँ पर हमारे पास में जो आर्क होगा जिस फाइल को हमें ट्रेस करना है उसे सपोज हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया. यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर लेते हैं और उसको बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं. ये चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. तो आसान रहता है नोड.js में, जैसे हमने ओएस मॉड्यूल को देखा था, हमने असिंक्रोनस सिंक्रोनस फाइल ऑपरेशन को देखा था. तो इट इज वेरी इजी टू डू सर्टेन ऑपरेशन पाथ डॉट जेएस. ये हमारा जो है वो एक्सटेंशन है एंड यू कुड वर्क फॉर इट हियर जिस फोल्डर में हमारे पास में ये फाइल का प्रोजेक्ट है. तो पाथ ये फोल्डर हमारा यहाँ पर है जो हमने क्रिएट किया था. इसमें हम लोग बनाएंगे डायरेक्टली पाथ आपको यहाँ पे मिल गया. यहाँ पे आपको डायरेक्टली पाथ मिल गया लाइक दैट. ठीक है, अब इसके बाद में मान लीजिए हमें नेक्स्ट बेस नेम पता करना है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. जो बेस नेम है पता करना देखिए और टेस्ट कर लेता हूँ. अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे डी आई आर आपने लिखा था वहाँ टेस्ट लिख दीजिए, इसको टेस्ट कर दीजिए. ठीक है, और फाइनली रन करा दीजिए. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जब हमने पाथ मॉड्यूल को कराया था तो पाथ डॉट जे एस फाइल का नाम मिल गया और यहाँ पे भी हमारा डायरेक्टरी पाथ क्योंकि ये फंक्शन भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. नेक्स्ट मान लीजिए वी ट्राई टू मेक श्योर हमें एक्सटेंशन पता चलना है तो उसके लिए अगेन हम इसको कॉपी करेंगे. तो सी नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर देंगे. एक्सटेंशन के लिए आपके पास में ई एक्स की जो रहता है उसको हम लोग एक्सटेंशन में यूज कर लेते हैं. आई एम जस्ट चेंजिंग हियर, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देंगे. EX.1.EXT
EXT. And the E extension name, ये आगे आता है, ठीक है? अब इसको बिंदन करा के देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में .js extension आ गया. Directory name को जब execute किया तो ये directory path दे दिया. Base name को किया तो path.js, file का नाम दे दिया. Extension को किया तो .js दे दिया. इतना आसानी से आप एक मॉड्यूल को रिक्वायर करके एक फाइल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड कर लो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोड.js, इसको आप लोग समझते हैं. अब मैं चाहता हूँ जितने भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो यूनिक नेम हो, चाहे वो बेस नेम हो, एक्सटेंशन नेम हो, डायरेक्टरी पाथ, इस तरह के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैं एक साथ फेच करना चाहता हूँ. तो उसके लिए आपको एक उसके लिए आपको एक पार्स यूज करना पड़ेगा. तो आई एम जस्ट मेकिंग सम चेंजेस हियर. पार्ट 1 द पार्स यहाँ पर क्योंकि हमें सर्टेन प्रॉपर्टीज के ऊपर इस चीज को ले जाना है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा. जस्ट चेकिंग दिस, यहाँ पर हम एक तो जैसे कंसोल डॉट लॉग पार्ट 1 डॉट पार्स कर दिया, ये कर दिया. पहले हम इसको रन करा के देख लेते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे एक साथ आपको ये सारे वैल्यूज मिल गए जो आप अलग अलग फंक्शन को यूज करके बना रहे हैं. रूट, डायरेक्टरी, नेम, बेस, एक्सटेंशन. तो ये एक है. अब मान लीजिए उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को आपको अटैच करना है, ना कि पूरे हेडिंग डिटेल्स को. तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्म एक आप ले लीजिएगा. प्रॉपर्टी को फेच कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में जैसे फंक्शन कॉल आप इसको अभी आगे यूज नहीं करेंगे. आप सिंगल इस तरह से पार्ट इनको पास कर दीजिए. तो इस तरह से पेस्ट कर दीजिए इसको. इसको पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एड में सेंड करें लगा दीजिए. अब आप कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट आपने इनके बनाए हैं माई पार्ट डॉट. अब आप मान लीजिए प्रॉपर्टी फेच करने चाहते हैं मिले मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलेगा. अब आप इसको एक्सिक्यूट कराएंगे जब तो you will see the result. तो यहाँ पे आपके पास में my path of name में आप करेंगे तो console dot log path of pass const my path node.js and path is not defined, so you have to make this path known. यहाँ पे आपको path known करना पड़ेगा, ठीक है? Now check this. आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको पाथ मिल गया. इसी तरह मान लीजिए रूट आपको चाहिए, रूट क्या है तो आप नेम दीजिए, रूट कर दीजिए. अब इसको एग्जीक्यूट करा लीजिए. जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको रूट मिलेगा. Making sure node path of JS. So ये सेल सबसे आगे देखो ये आपके रूप में क्या सी. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट करता है. और node चेंज इसको बहुत ही इजी कर देता है. जब आपको किसी भी फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पाथ को रोड यूज करके इसको रिक्वायर कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.